जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। हेलो दोस्तों, वंस अगेन हम लोग फिर आ गए हैं शिमला के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तारा देवी मंदिर, जो शिमला के सबसे ऊंची पहाड़ियों पर है। ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है शिमला में, और यहाँ पे टूरिस्ट भी आना पसंद करते हैं और लोकल पब्लिक की तो भरमार होती है। तो इस मंदिर में हम लोग माँ देवी के दर्शन करेंगे और पूरे मंदिर को भी हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और जो मेन मंदिर है माँ देवी का, वो वुडन है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है, काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये मंदिर माता ने खुद दर्शन देकर ये मंदिर बनने का संकेत दिया था। तो उस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आगे। तो अभी हम आपको यहाँ पे घुमाते हैं, और कैसे हम आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और स्टार्ट करते हैं ये जर्नी। दोस्तों, ये जगह है शोघी, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, और ये जो शोघी है, दिस इज 12 किलोमीटर्स बिफोर शिमला। तो अगर आप चंडीगढ़ से शिमला की ओर आते हैं, तो ये आपको शिमला से पहले पड़ेगा, 12 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर पहले का एरिया है ये। और ये जो हाईवे है, ये इधर से आप आएंगे चंडीगढ़ से, और ये शिमला। तो हम लोग भी इधर से आए हैं, और अभी इधर से हम लोग ऊपर की ओर तारा देवी मंदिर के लिए यहाँ से अभी हम लोग निकल जाएंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ तारा देवी मंदिर। अभी हम लोग शोघी से निकले हैं तारा देवी मंदिर के लिए। यहाँ से तारा देवी मंदिर लगभग है 6 किलोमीटर, और ये जो रोड है कनेक्टिंग रोड, ये लगभग 4 किलोमीटर आगे तक जाके एक लेफ्ट कट आएगा। हमें वहाँ से तारा देवी मंदिर के लिए ऊपर की ओर चढ़ना होगा। वहाँ से लगभग हमें 2 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, और चढ़ाई काफ़ी स्टीप है वो, तो थोड़ा हमें गाड़ी जो है हेवी गियर्स पे ही चलाना है, और थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे ट्रैफिक बहुत कम होती है ऊपर, सिंगल रोड भी है वो, तो भी थोड़ा ध्यान रखना है हमें। ये लेफ्ट कट ले लिया हमने ऊपर की ओर, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है तारा देवी मंदिर। और यहाँ से वैसे तो बड़ा अच्छा रास्ता बना हुआ है, बट सिंगल लेन है। यहाँ से देखिए बिल्कुल ऊपर वो दिख रहा है तारा देवी मंदिर, कितना अच्छा लोकेशन लग रहा है यहाँ से। तो अभी हम लोग तारा देवी मंदिर पहुँच गए हैं, और उसका यह टैक्सी स्टैंड है। अगर आप टैक्सी से आते हैं तो इन सारी जगह पे, यहाँ पे देखिए बसेस भी लगी हुई हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन आज रश काफ़ी है, तो हमने अपनी गाड़ी लगाई है इस साइड को, रोड के साइड में ही। यहाँ भी काफ़ी जगह है, आज वैसे भी संडे है, तो रविवार के दिन थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग तारा देवी मंदिर पहुंच गए हैं, काफ़ी बड़ी और प्रसिद्ध मंदिर है शिमला का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाइन से लगी हुई है प्रसाद की शॉप्स है, यहाँ से प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं, फिर आप ऊपर मंदिर के लिए जा सकते हैं। ये लीज दिस का पैकेट है, ये लीज का, ये दे दीजिए। तो चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्म भी किया गया है मंदिर में, किस तरीके से हमें जाना है, क्या क्या लेकर जाना है और क्या वर्जित है। यहाँ से स्टेयर्स शुरू हो जाती है मंदिर जाने के लिए, और जैसा कि यहाँ पे जो शॉप कीपर थे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे बंदरों का भी थोड़ा बहुत है, काफ़ी झुंड होता है, तो हमें अपने चीज़ों को, पर्स को, प्रसाद को, इन सारी चीज़ों को बचा के चलना होता है। तो अगर टूरिस्ट हैं आप, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने बैग, पर्स, चश्मा वगैरह आप संभाल के रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मंदिर में ऊपर जाने के पहले थोड़ा सा जूस वगैरह हम ले सकते हैं, जूस कॉर्नर है एंट्रेंस के पास ही, तो अगर आप थके हुए हैं या थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं।
यहाँ पे रेन शेल्टर भी बने हुए हैं, सन के लिए शेड का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप थक गए हो तो। सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है यहाँ से, 5 से 10 मिनट का जस्ट एन्जॉयबल और थोड़ा सी फीलिंग वाली जो है वो सीढ़ियाँ हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और सीढ़ियाँ बहुत ही फ्लैट हैं, आप आराम से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। परिसर में आ चुके हैं और मेरे पीछे जो सबसे ऊंची वुडन टेंपल दिख रही है वही है माँ तारा देवी का मुख्य मंदिर। अभी हम वहाँ भी जाएंगे, तब तक थोड़ा सा बाहर का भी आप देख सकते हैं दृश्य, और काफ़ी अमेजिंग और शानदार दृश्य होता है यहाँ से, क्योंकि तारा देवी मंदिर जो है काफ़ी ऊंचाई पर है, तो यहाँ से जो व्यू देखने को मिलेगा बहुत ही अलग मिलेगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ पे और इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सकारात्मक जो माहौल होता है उस तरीके का है और मन को बहुत शांति मिल रही है। और ये तारा देवी मंदिर भी इसी के लिए जाना जाता है, यहाँ की पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए। तारा माता मंदिर प्रांगण में आते ही यहाँ पे स्टार्टिंग में एक और माता का द्वार है, वैष्णवी शक्ति माता दूधाधारी मंदिर, जस्ट 250 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस, तो वहाँ भी मैं आपको ले चलूँगा। पहले मेन मंदिर के दर्शन करते हैं। जय माँ तारा भंडारा। तो आज भंडारा भी है, भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि माता का आशीर्वाद भी साथ ही साथ हमें मिल जाएगा प्रसाद के रूप में। और यहाँ से है ऊपर की ओर मेन मंदिर, अभी चलते हैं वहाँ। ये है मेन मंदिर, पूरी तरह से काष्ठ निर्मित है, लकड़ी से बना हुआ है। हम माता का दर्शन करते हैं, फिर मैं चारों ओर के नज़ारे दिखाऊंगा। दोस्तों हमने मंदिर में माँ देवी के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए हैं, और ये जो प्रतिमा है ये लांगड़ा वीर जी हैं जो माँ दुर्गा के रक्षक थे और उनके प्रतिहारी हैं। यहाँ भी हम पूजा करते हैं माँ के दर्शन करने के बाद, और यहाँ लिखा हुआ है धूप दीप और प्रसाद कृपया ना चढ़ावे। तो जो भी मंदिर में लिखा हुआ है, जो भी हमें बताया गया है, उस चीज़ का हमें पालन करते हुए यहाँ के व्यू को हमें देखना है, दर्शन करना है। तो अभी हम मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ से आप पूरे शिमला का व्यू देख सकते हैं। दोस्तों जैसा हम लोगों ने बताया आपको, ये मंदिर जो है काफ़ी हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, तो इसकी एक स्टोरी भी है इसके पीछे। एक स्टोरी इसकी 250 साल पहले की है, राजा भूपेंद्र सेन होते थे एक, उनकी डिनास्टी थी, और वे जब यहाँ पे एक जंगलों में शिकार खेलने आए थे तो ये रास्ता भूल गए और यहीं पे सो गए। जब सो गए तो रात में माता ने स्वप्न में उनको दर्शन दिए और बोला कि यहाँ पे वे उनका मंदिर स्थापित करें और एक टेम्पलेट बनवाएं ताकि जो भक्तगण हैं उनका आशीर्वाद ले सके, उनकी ब्लेसिंग्स ले सके। तो उन्होंने ये जो 50 बीघा का एरिया है, ये लैंड उन्हीं की थी, उन्होंने इसको दान कर दिया मंदिर के लिए और यहाँ पे मंदिर बनाया गया। और उसके कुछ सालों बाद जब बलबीर सेन, उन्हीं के डिनास्टी के दूसरे राजा, जब बाद में बलबीर सेन के सपने में आके माता ने बोला कि यहाँ पे उनका टॉप हिल, ये जो टॉप हिल है ये तारव हिल है, तो तारव हिल पे उनकी मंदिर की स्थापना की जाए। तो वहाँ पे ये काष्ठ मंडप टाइप का जो मंदिर है, काष्ठ निर्मित लकड़ी की मंदिर बनाई गई और इसमें अष्ट धातु की प्रतिमा को स्थापित किया गया राजा बलबीर सेन के द्वारा। माता का दर्शन हमने कर लिया है, अष्ट धातु की निर्मित अंदर स्टैचू भी देखा हम लोगों ने। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन मैं इस मंदिर के चारों ओर का नज़ारा आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आइए मैं पहले इस मंदिर के लेफ्ट साइड का नज़ारा दिखाता हूँ, शिमला साइड का।
और देखिए यहाँ से इतना प्यारा अमेजिंग व्यू आता है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, बिल्कुल वो सामने वहाँ पे जाखो हिल है, अभी मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए काफ़ी धुंधला सा वो दिख रहा है यहाँ से, काफ़ी बहुत दूर है यहाँ से। और ये देखिए पूरे शिमला का एरिया है, रिज और मॉल रोड बिल्कुल सामने, ये टॉप लेयर जो पहाड़ी का दिख रहा है, ये शिमला का मॉल रोड और रिज वाला एरिया है, ये बिल्कुल बीचों बीच यहाँ से। और इस मंदिर के चारों ओर जो प्रांगण है वो भी काफ़ी बड़ा है, मैं आपको एक राउंड लगाता हूँ यहाँ से और आपको दिखाता हूँ चारों ओर का व्यू। एक बार हम लोग मंदिर जाने वाले हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वो देखिए बिल्कुल यहाँ से सामने की ओर दिख रहा है उस ये वाला, तो यहाँ पे भी मैं लेके चलूँगा आपको अभी। ये देखिए कितना यहाँ पे जगह है, ऊपर टॉप हिल को फ्लैट करके यहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई है। और ये दूसरे द्वारपाल प्रतिहारी हैं, ये बटुक भैरवनाथ हैं, बटुक भैरव। ये देखिए मैं दूसरे साइड लेकर आ गया अभी, शिमला के बिल्कुल अपोजिट। अब यहाँ से उन आगे की पहाड़ियों के पीछे उस साइड सोलन वैली आता है, तो वो यहाँ से लगभग 30-40 मिनट का रास्ता है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है और अमेजिंग एटमॉस्फेयर, बिल्कुल असीम शांति मिल रही है और मज़ा आ गया सच में यहाँ पे आके। आप यहाँ पे आप ही ज़रूर आएँ और ब्लेसिंग्स लें माता का, जो भी आप मांगेंगे माता आपको ज़रूर प्रदान करेंगी। और ये जो रास्ते आपको दिख रहे हैं, ये रास्ते इसी से हम लोग आए हैं अभी ड्राइव करके ऊपर। और शोघी से ऊपर आने में हमें लगे लगभग 20 मिनट्स। भंडारे के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, अब हम भी लाइन में लग जाते हैं। हॉल के बाहर भी भंडारे के प्रसाद लेने के लिए काफी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी सर्व किया जा रहा है। भंडारे के प्रसाद लेने के बाद मंदिर प्रांगण से ही मैंने आपको रास्ता बताया था, एक दूधाधारी मंदिर वैष्णवी शक्ति माता, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते से। और यहाँ देखिए वानर भी एंजॉय कर रहा है शुगर कैंडी को, वो कितने आराम से खा रहा है ये। चल पड़ा इधर, अच्छा दूसरा भी आ गया अब। दूधाधारी मंदिर यहाँ से मात्र 250 मीटर्स, यानी कि जस्ट 8-10 मिनट्स का वॉक है, तो वो अभी हम लोग पूरा कर लेंगे। और सामने देखिए कि वुल्व भी अटैक कर रहा है ये देखिए लोगों के ऊपर, तो इनसे बच के रहने की ज़रूरत है। ये तारा देवी मंदिर और ये देखिए दूधाधारी मंदिर, और साथ में इसके बीच में ये दृश्य अमेजिंग,
ब्यूटीफुल सीन। और हम पहुंच गए हैं अब दुधाधारी मंदिर। ये देखिए यहाँ से अमेजिंग व्यू आ रहा है। ये मंदिर और इसके साथ देखिए चारों ओर से ऐसे ही सुंदर नज़ारे, वो लवली। कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ से। इस साइड अगर देखें, ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है चारों ओर इस मंदिर से। इस मंदिर से हम देख सकते हैं दूर वहाँ पे तारा देवी मंदिर भी हमें दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही ये सारे व्यू हैं शिमला का। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा और ये मंदिर देखना भी अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मिलते हैं फिर और भी नई वीडियोज़ के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर।